नर्मदे हर नर्मदे हर। समस्त रेवा भक्तों को संतोष कुलकर्णी हार्दिक अभिनंदन हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप कह रहे होंगे अचानक मराठी से हिंदी में कैसे आ गए जनाब, तो उसके दो कारण हैं। एक तो मेरा मित्र सुमंगल विद्वांस जो मराठी भाषिक होते हुए भी बहुत ही उच्च दर्जे की हिंदी बोल लेता है, लिख लेता है, उसको ये भाग समर्पित है। और दूसरे मेरे मित्र संदीप जी मिश्रा जो हिंदी भाषिक होते हुए भी मेरे मराठी एपिसोड्स बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं और हर बार उनकी प्रतिक्रिया आती रहती है YouTube पे। तो इन दो विद्वानों को मेरे मित्रों को यह भाग विशेष तौर से समर्पित। तो पिछली बार शीर्षक देख के आप चौंक गए होंगे, झुमका गिरा रे। साधना जी ने बहुत अलग अंदाज में गाया था उसको, लेकिन ये झुमका गिरा रे का और परिक्रमा का क्या संबंध है ऐसा आप पिछली बार से सोच रहे होंगे। पिछले भाग का शीर्षक भी था झुमका गिरा रे, कहाँ गिरा झुमका, तो ब्रैकेट में हमने लिखा था महाराजपुर। लेकिन महाराजपुर का किस्सा आते आते थोड़ी समय सीमा हो गई पूरी, इसलिए फिर ये भाग हमको लेना पड़ा। इस भाग का जो क्रमांक है 43, वो देख के आप लोग चौंक मत जाना, हिंदी में यह चतुर्थ भाग है, चौथा भाग मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन चूंकि अविरत परिक्रमा मराठी में चल रही है और उसमें 42 नंबर पे पिछला एपिसोड आया था, इसलिए मैंने मात्र मराठी से हिंदी कर दिया उसको, तो उसका सीरियल नंबर 42 रखा। और इस बार ये जो नंबर है ये एपिसोड का वो 43 है। तो हिंदी लोग ये मत मुझे पूछना कि बाकी 41 भाग कहाँ गए, तो हिंदी में ये मात्र चौथा भाग है, इसलिए पहले कदम है। तो जरा समझ लीजिए, मेरी अशुद्ध भाषा की तरफ ध्यान मत दीजिए, कंटेंट को देखिए। तो पिछली बार हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम लोग महाराजपुर पहुँचे, आते आते गांव में रुके, वहाँ पे कैसे एक बाबा जी ने मुझे मेरा बर्थडे जो अभी नहीं था, 9 दिन बाद आने वाला था, क्योंकि 19 मई 2019 को हम लोग पहुँचे थे महाराजपुर, और मेरा बर्थडे 28 तारीख को है। लेकिन कैसे उन्होंने 9 दिन पहले ही मुझे 51 रुपये दे के मेरे जन्मदिन पे बधाइयाँ दी थी, वहाँ तक हम पहुँचे थे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बूढ़ी माई के मंदिर मैया घाट से होते हुए इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप, साई सिद्धि पेट्रोल पंप, ननिल जी श्रीवास्तव, ननिल नाम है, जैसे सुनील लिखते हैं तो सु की जगह न लिखना है, तो ननिल जी श्रीवास्तव उनके यहाँ कैसे हम पहुँचे थे। तो ननिल जी ने हमारा स्वागत बड़े प्रेम के साथ किया, और बाहर ही जहाँ पे पेट्रोल भरती है गाड़ियों को पेट्रोल जहाँ भरा जाता है वहीं पे फटाफट 4-5 चेयर्स लगा दी हम लोग, मैं मेरी श्रीमती, मेरा एक परिक्रमावासी मित्र प्रमोद और एक और परिक्रमावासी मित्र निशिकांत जोशी, ऐसे हम लोग 4 लोग वहाँ पे पहुँचे थे। हाँ, हमारे साथ जागृति जी भी थी, तो 5 लोग हम लोग थे वहाँ पे पहुँचे। पहुँचते से ही नर्मदे हर हुआ, वहाँ पे हमको बिठाया पेट्रोल पंप पे, वो जहाँ पे पेट्रोल भरा जाता वहीं पे 4-5 कुर्सियाँ लगा के ननिल जी हमारे साथ में बैठे, और सबसे पहले चाय हुई, गप्पे तो ननिल जी के बाद में किससे बहुत है, क्योंकि अनेक वर्षों से वो परिक्रमावासियों की सेवा महाराजपुर में रहते हुए कर रहे हैं। तो अनेक बड़े बड़े संत साधु महात्मा वहाँ पे उनके यहाँ पे आतिथ्य उनका स्वीकार कर चुके हैं।
ननिल जी से बात करने में समय कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। तो पहले चाय, चाय के बाद उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया, उसको कुछ पैसे दे के भेजा। तो वो गया और एक 10 मिनट से वो आया, गर्मा गर्म समोसे जलेबी सबके हाथों में, एक एक प्लेट, उसमें समोसे जलेबी खाई आराम से। ये करते करते कुछ 11 11:30 हो गए थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि अभी आप रुक जाइए, इधर ही भोजन प्राप्त करके जाइए। तो हमने भी सोचा अभी 11:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, फिर कहाँ पे आगे जाके रुको। तो हमने आनंद से अपनी सम्मति बता दी। तो जैसे हमने सम्मति बताई तो उन्होंने हमको कहा कि ऐसा करते हैं कि पिछले पिछले साइड में कमरा बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे विश्राम करें। तो पेट्रोल पंप से बिल्कुल लगी हुई, पेट्रोल पंप की चार दीवारी के वहीं पे एक छोटा सा ओपनिंग था, वहीं से हमको अंदर लेके गए। पीछे गए तो वहाँ पे एक विस्तृत आंगन, बढ़िया टाइल्स वाइल्स लगी हुई, ऊपर आम का बड़ा सा पुराना पेड़, पीछे एक कमरा बना हुआ। और वहाँ पे सामान वगैरह हमने रखा, बाहर बड़ी दरी डाल दी उन्होंने। और उन्होंने कहा यहाँ पे सब व्यवस्था है, आप आराम कीजिए और मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। निकल गए। तो हमने फिर वो रूम के अंदर जाके देखा तो बड़ा प्रशस्त वहाँ पे बाथरूम था महाराज। क्या बताएं, परिक्रमावासी को, मतलब मेरे जैसे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वहाँ पे जब मैंने वॉशरूम देखा, टॉयलेट देखा, यूरोपियन डब्ल्यूसी देखा, यूरोपियन डब्ल्यूसी के साथ लगा हुआ शॉवर, वो भी बिल्कुल पॉश टाइप का शॉवर, और पूरा टॉयलेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे घर में हम लोग रखते हैं नीट एंड क्लीन, वो सार्वजनिक था ही नहीं। वो जहाँ तक मेरा विचार है, वो ननिर जी का अपना पर्सनल रूम था, वो स्वयं वहाँ पे विश्राम करते थे, उनका ही था। तो उन्होंने हमको दे दिया। फिर क्या था, हम आराम से वहाँ पे फ्रेश वगैरह हुए और फिर बाहर दरी डाल के रखी थी, वहाँ पे आधा पौन घंटा तक विश्राम किया, थोड़े गप्पे मारी, थोड़े फोटो वोटो निकाले। मेरे ख्याल से मैंने वहाँ से पूना फोन लगाया था, पूना वीडियो कॉल किया था। तो अपने बेटे से, बहू से, पोती से हमने बातचीत की, उसमें समय चला गया। करीब 12:30 1 बजे ननिल जी फिर से आए, उन्होंने कहा कि भोजन तैयार है, तो आप लोग यहीं पे पंगत लगा लीजिए। तो हम लोग अपना थाली वाले निकाल के वहीं पे बैठ गए, हम पांचों जने। फिर ननिल जी अकेले हैं, अब ये पूरे भोजन के कार्यक्रम में ननिल जी अकेले लगे हुए हैं, उनके साथ उनका सेवक, कोई भी सेवक नहीं, अकेले। और अंदर से ऐसी थालियाँ, वो तो थालियों के अंदर ऐसे कप्पे बने रहते हैं, स्टेनलेस स्टील की साफ थालियाँ वो लेके आए, ऐसी गोल वाली थी, गोल वाली बड़ी थालियाँ लेके आए और हमको परोसा उन्होंने, बड़े प्यार के साथ उन्होंने परोसा। मैं तो उस थाली को देख के, उसके अंदर एक आइटम थी, उसको देख के बहुत खुश हो गया। क्या था वो? गुलाब जामुन। मैया ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो गुलाब जामुन, बूंदी का रायता, रोटी, दाल और चावल, ऐसा मेन्यू था। सिंपल लेकिन बहुत मन भावक, बहुत अच्छा लगा। फिर शांतिपूर्वक भोजन प्राप्त किया। ननिल जी अकेले, किचन और हम लोग, इसके बीच में बराबर आते जाते, किसी को चपाती चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को बूंदी रायता चाहिए, किसी को गुलाब जामुन चाहिए, सब आके परोस रहे थे। पानी की व्यवस्था भी थी, आराम से खाना हुआ। 1:30 बजे तक खाना कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमको कहा अभी इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मई का महीना था।
और धूप तो आप जानते हो, मई के महीने में स्पेशली एमपी में सुबह 8:30-9 बजे से ही धूप चालू हो जाती है। तो अभी तो 1:30 बज रहा था, चिलचिलाती धूप थी। उन्होंने कहा अभी आप यहीं पे आराम कर लो, मैं आपको यहीं पे कूलर लगा देता हूँ। तो आम्र वृक्ष की छाया में नीचे दरी थी, हम सभी लोग वहीं पे ढेर हो गए। उन्होंने मस्त अंदर से एक पोर्टेबल कूलर, वाटर कूलर ला के लगा दिया। ठंडी ठंडी हवा आम्र वृक्ष के नीचे आंगन में दरी के ऊपर कूलर की हवा में शीतल छाया में हम लोगों ने 2-2.5 घंटे मस्त नींद ली। 4-4:15 बजे उठे, फ्रेश हुए। तब तक ननिल जी चाय लेके आ गए, तो चाय पी के जाइए महाराज, चाय प्राप्त की। उनके साथ और थोड़ी गप्पे मारी। ननिल जी के साथ मैं आपको एक बताऊं, सुख है, ऐसा लगता है अपने घर पे ही बैठे हुए हैं और किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं। कहीं पे अजनबी पन परायापन ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो ऐसे बातचीत हुई करीब 4:30 बजे के आसपास। हम लोगों ने कहा ननिल जी, अभी मन तो हमारा हो नहीं रहा है जाने का, लेकिन अभी हमको निकलना चाहिए। ऐसा करके 4:30-5:15 बजे हम ननिल जी से विदा लेके वहाँ से निकले। अभी 19 मई 2019, और अभी है आज तारीख, अभी आप जब इसको सुनेंगे उस दिन होगी 26 जुलाई 2020, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन है 12 जुलाई 2020। तो सोचिए 1 साल 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन मेरे मन में ननिल जी की यादें अभी भी उतनी ही ताजा है। तो अभी आपके मन में एक सवाल घूम रहा है, मैं जानता हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ आपको 1 मिनट में। अच्छा, इसके लास्ट में मैं गूगल पे कुछ इमेजेस भी डाल रहा हूँ, और देखिए जरूर, क्योंकि आपको आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि ये साई सिद्धि पेट्रोल पंप कहाँ पे है। तो महाराजपुर में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मेन रोड पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा, और ननिल जी की फोटो भी आपने देखी है थंबनेल में। ननिल जी बिल्कुल स्मार्ट युवक है, और फोटो से पहचान लेंगे आप उनको। उनका अंदर एक और फोटो मैं डाल देता हूँ, ताकि परिक्रमा में अगर आप उधर से निकले तो जरूर उनसे मिलिए, और उनको मेरी तरफ से स्नेहपूर्वक नमस्कार भी बताइए। ठीक है, अभी आपके मन में जो सवाल है कि हमने कहा झुमका गिरा रे, तो कहाँ गिरा झुमका? नहीं, ये शीर्षक इसलिए दिया मित्रों, क्योंकि जहाँ पे हम ननिल जी के यहाँ रुके थे, तो दोपहर में फ्रेश होने के बाद क्या हुआ कि सुबह जहाँ से चले थे वहाँ पे कपड़े सुखा नहीं पाए थे, इसलिए ननिल जी के वहाँ बाहर आंगन में, हमने बाहर फेंसिंग थी लंबी पिछले साइड में थोड़ी दूर, तो वहाँ पे अपने कुछ कपड़े डाल दिए थे, जैसे स्नान करने के बाद टॉवेल जो रखता है वो टॉवेल, एक रुमाल वो डाल दिए थे। और निकलते वक्त जल्दी जल्दी में आनंद पूर्वक जब वहाँ से निकले, तो ननिल जी के साथ बात करते करते उसका विस्मरण हो गया। थोड़ा आगे करीब 10-1 किलोमीटर चल गए थे, उसके बाद में ध्यान आया। तो लेकिन परिक्रमा में एक तो उल्टा आना ठीक नहीं माना जाता, और अगर हम उस समय उल्टा आते भी थे, हम लोग सहस्त्र धारा पहुंच चुके थे, तो सहस्त्र धारा से अगर वापस भी आते थे तो समय कट जाता था और वापस उधर जा नहीं पाते थे। तो ऐसा कुछ इसलिए वो हमने वहीं पे छोड़ दिया। तो वो मुझे बात, वो वाकया याद आई कि कैसे हम वहाँ पे टॉवेल छोड़ आए थे, लेकिन अपने दिल को भी वहीं पे छोड़ के आया, क्योंकि मेरा दिल अभी भी वहीं पे है महाराजपुर में ननिल जी के पास में। तो ननिल जी अगर आप ये सुन रहे होंगे तो आपको मेरे स्नेहपूर्वक हम दोनों के नमस्कार, और नर्मदे हर नर्मदे हर। इसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स है और गूगल के मैप्स है, वो देखना मत भूलिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।